Ladies and gentlemen, a very warm welcome. I'm Dr. Maria Zulfikar Khan, and I welcome you to the Hum Roundtable: Women as Agents of Social Change, a prelude to the event, the Kashmir Hum Women Leaders Award 2022. In this concept, uh, the theme of our session for today is how the legal justice system is failing to stem violence against women. Khawateenu Hazrat. तहफ़ हर फर्ज का बुनियादी हक है ये जगह और मुकाम से मशरूत नहीं और ना ही इसका होना किसी पर कोई एहसान है क्योंकि ये इंसान का पैदाइशी हक है लेकिन ख़वान के मामले में उन्हें इस हक के होने मिलने और दिए जाने का एहसास ऐसे दिलाया जाता है जैसे उनका हक नहीं बल्कि उन पर कोई एहसान किया जा रहा है तहफ़ के दावों के बावजूद खुतिन पर तशद्द खावो घरेलू हो जिसी या नफसियाती तमाम इकसाम में जारी है सूरत हाल अगर बहुत ख़राब नहीं तो कोई अच्छी भी नहीं है कहने को तो आजकल हमारी हुकूमतें खुतान के तहफ़ के लिए बहुत सारे कवानीन बना चुकी हैं पुलिस खुत से मतलब जराम पर बहुत मतहरक भी नज़र आ रही है मीडिया और सोशल मीडिया पर खुतिन के हकूक पर अब बहुत बात भी हो रही है मगर इस सब के बावजूद ख़वात को हर तरह के तशद से महफूज बनाने में रखने में हम बहुत नाकाम हैं आज भी औरत के लिए अपने खिलाफ हुए जुल्म पर इंसाफ लेने से पहले माशरे निज़ाम की पेचीदगियों और ख़ानदान की बदनामी जैसे दबाव आते हैं और अपनी ज़ात के लिए इंसाफ का हसूल बाद में क्या हम औरत को तहफुज देने में बतौर माशरा नाकाम है या हमारे निज़ाम अदल में अब भी बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है ताकि खातन को तहफ़ उनका तहफ़ जो है वो यकीनी बनाया जा सके इस पर हम बात करेंगे हमारे साथ इधर से शुरू करूँगी शाह खावर साहब मौजूद हैं आप सीनियर लॉयर हैं फॉर्मर जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के साथ ही साथ फरजाना बारी साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं ऑन टू माई लेफ्ट हमारे साथ नफीसा <laughs> शाह साहिबा हैं पार्लियामेंटेरियन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एंड खतीजा शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं यंग लॉयर हैं एंड ऑल्सो अमेन राइट एक्टिविस्ट तो थैंक यू ऑल ऑफ ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस शाह साहब गुस्तुओं का आगाज़ आपसे करती हूँ हमारे मुल्क के बारे में कहा जाता है कि हम एक बहुत ओवर uh, लेजस्ट जो है वो हम uh, माशरा हैं मुल्क हैं uh, लेकिन uh, uh, अगर देखा जाए हमारे यहाँ पे तो हर प्रोविंस का अपना डोमेस्टिक वायलेंस बिल जो है वो मौजूद है लेकिन उनका इतलाक उस तरह नहीं हो पा रहा आप क्या समझते हैं एज ए लीगल माइंड आप क्या समझते हैं व्हाट्स द प्रॉब्लम ये क्यों हो रहा है देखिए बुनियादी तौर तो पे तो जो हमारा आन पाकिस्तान है वो शहरीों में जो है वो मसावी सलूक का जो है वो तहफ़ देता है लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक चैप्टर है आइन पाकिस्तान में जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ का उसमें वाज तौर पर लिखा है कि गो के जो भी शहरी हैं पाकिस्तान के वो बा, बा, किसी भी रंग नस्ल और जिन्स की तमीज़ के बग़ैर उनके बुनियाद उनके मसावी हकूक हैं लेकिन ख़वान के लिए जो है और उनको एम्पावर करने के लिए या उनके ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं माशरे में उनको ख़त्म करने के लिए रियासत जो है वो इकदाम करेगी और उस पर जो है वो खसूस तवज्जो देगी ताकि उनके लिए स्पेशल लॉस बनाए जा सकें उनको एक हर शुबः ज़िंदगी में मौक़ फ्राहम किए जा सकें और उनके लिए एक अच्छा एक हारमोनीस माहौल कायम किया जाए तो उसके लिए तो यकीन सबसे पहले तो ये होता है कि आपने कानून साजी करनी है लेकिन कानून साजी से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमें माइंड सैट्स को भी चेंज करना है सिर्फ कानून बदलने से या नए कवानीन बनाने से या उनमें ख़वात को ज़्यादा हकूक़ देने से मसाइल हल नहीं होंगे अब आपने जैसे अभी जिक्र किया कि अब एक कानून अगर बन भी गया है डोमेस्टिक वायलेंस का है अगर किसी ख़ातून के साथ कोई वायलेंस होती है तो आप एक लॉ बना देते हैं कि आप एक हेल्प लाइन है आप हुँ, उसमें हुँ। आप कॉल करें आपकी रेस्क्यू के लिए पुलिस आ जाएगी लेकिन वो मसला ये है कि हमारा सोसाइटी इस तरह की है कि वो ख़ातून अपने हक को इस्तेमाल करने के लिए भी सौ दफ़ा सोचेगी क्योंकि उसके साथ अगर वायलेंस हो भी रहा है तो वो अपनी फैमिली ऑनर के लिए कि उसके भाई क्या कहेंगे उसके वालदेन क्या कहेंगे उसके पड़ोसी क्या कहेंगे घर से उसको क्या और फिर अगर वो अपने हक़ के लिए कोई कानूनी रास्ता अख्तियार भी कर लेती है तो उसको फिर क्या तहफ़ होगा क्योंकि अगर वो अपनी फैमिली में ही मसल अगर शोहर किसी खातून पर तशद कर रहा है और उसके खिलाफ अगर वो शिकायत करती है तो वो तो शोहर के घर में वो तो बेचारी वो है उसके मरहूने मन्नत है बिल्कुल वालदेन का घर वो पहले से छोड़ के आई हुई है तो वो फिर उसको जो ये वाला जो तहफ़ है कि अगर वो अपना

तो किस तरह आपने उनसे किस तरह डील किया और आप आगे इसको जो आपके पास केसेस आते हैं किस तरह लेके चलते हैं आरिया थैंक यू सो मच आई थिंक जिस तरह शाह साहब ने बात की है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आस टू रियलाइज कि जब इस तरह का कोई भी इंसिडेंट होता है जिस तरह मेरे साथ भी हुआ तो इस इंसिडेंट के बाद सबसे पहला रवैया जो माशरे से हमें फेस करना पड़ता है वो ये है कि अगर तुम्हारे साथ कोई जुल्म हुआ है या किसी ने तुम्हारे साथ कोई जुर्म किया है तो उसकी बुनियादी वजूहत जो है वो तुम्हारा अपना किरदार Absolutely. है या फिर वो तुम्हारा अपना किए का, का तुम्हें नतीजा मिले तो ये जब हमारे हमारे माशरे ने एक हमारे अंदर इतना ज़्यादा डाल दिया है कि ये तुम जो भी करोगी क्योंकि तुम माशरे के सेट पैरामीटर्स पे चल नहीं, नहीं रही नहीं, नहीं, तो तुम्हारे साथ ये हुआ है क्या माशरे ने तुम्हें का ऐसा लबाज पहना नहीं। नहीं पहना तो तुम्हारे साथ हुआ तुमने रात को क्यों निकली तुम अगर इस टाइम पे ना निकलती तो तुम्हारे साथ ये तो हम सर्कमस्टांसिस को ब्लेम करते हैं हम विक्ट को ब्लेम करते हैं लेकिन हम कभी परपेट्रेटर को ब्लेम नहीं करते तो हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है अब जिस तरह अगर बात करते हैं हम नूर के केस की बात करते हैं

Honestly, couldn't control my emotions because it was overwhelming tha, the way the character assassinated Moore, yeah. even though she's not alive yeah. in this world. And so I had to face that every ha. day in court every during day. cross questioning, during.

लेकिन इस इस सबके बावजूद भी आई थिंक आई स्टिल फॉट बिकॉज आई फॉट बिकॉज आई न्यू दैट वुमेन इन दिस कंट्री विल नॉट गेट जस्टिस अनलेस और प्रेसिडेंट इज सेट एब्सोल्युटली तो ये बड़ा जरूरी है इस चीज को जानना कि ये ये विक्टिम शेमिंग कैरेक्टर असैसिनेशन दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है क्या मसला ये है कि अवेयरनेस का मसला है मसलन बहुत सारे हमारे घरों में ये होता है कि जब निकाह हो रहा होता है तो हमारे जो वाले हैं वो खुद ही वो शिक काट देते हैं वहां से या फॉर दैट मैटर जब वो थाने में जाती है तो वो वहाँ जाके अगर कोई इस तरह तशद का मामला है डोमेस्टिक वायलेंस है तो अक्सर अवकात तो उसको शायद मुँह पे उस तरह ना कहा जाए लेकिन टैसेड मैसेज यही दिया जाता है कि बीबी घर का मामला है घर में जाके सॉल्व कर लो बाहर मत लेके निकलो क्या आप समझती हैं प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले यह है कि पाकिस्तान की रियासत अनफॉर्चुनेटली जो शाहबर साहब ने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल भी औरत को मसावी या बराबर के दर्जे का शहरी नहीं समझती है आज भी हमारे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो आपको बहुत सारी ऐसी उसमें लेजिस्लेशन मिलती हैं जो औरत को दूसरे दर्जे का शहरी बनाती है पाकिस्तान में हमें एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की औरत को रियासत के साथ एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए है आप चाहे देखें कि औरतों की गवाही दो मर्दों के बराबर अभी तक मौजूद है सात के कवानीन मौजूद हैं जिसकी वजह से हमें अभी तक मसाल का सामना करना पड़ता है सिटीज़नशिप एक्ट देख लें अगर मर्द हजरात जो हैं वो किसी पा, नॉन पाकिस्तानी औरत से शादी करेंगे बीवी को भी नैशनलिटी मिलेगी बच्चों को भी मिलेगी औरतें कर लेंगी तो शोहर को तो कभी भी नहीं मिलेगी कहने का मकसद ये है कि यह एक फैलिसी है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन औरतों को इक्वल राइट right देता है इस अ फुल ऑफ़ कॉन्ट्रडिक्शन है आर्टिकल ट्वेंटी कहता है कि कोई डिस्कम नहीं होगी लेकिन फिर ये नंबर वन दूसरा सवाल ये कि आपने जो पूछा कि क्यों ऐसे होता है देखें दो चीज़ें हैं किसी भी समाज के अंदर जब कोई कवानी बनते हैं लोगों की प्रोटेक्शन के लिए वो ये कर, वो ये एस्टेब्लिश करते हैं कि सिटीज़न की इंटाइटलमेंट क्या है ठीक है अभी तक जो चलें जितने भी कवानी बने मेरा ख्याल है गुड इनफ़ हैं बहुत सारे बनने चाहिए बहुत सारे अभी तक आ, जो तासबे मबनी मौजूद हैं लेकिन चलें जो बन गए हैं तो सर गुड इनफ अगर उनके ऊपर अमल दरामद हो तो हमारा अगर आप देखें कि अगर जस्टिस सिस्टम देखें उसमें इट्स वो कहते हैं ना कि बहुत महंगा भी है उसके अंदर डिलेज भी हैं पुलिस में बहुत करप्शन होती है सबसे पहले तो वहीं मामला खराब हो जाता है हुँ, हुँ, ठीक है वहीं पे क्योंकि इतनी करप्शन है उसमें लेन देन होती है और अक्सर अक्सर ये होता है कि औरतें जब विक्टिम होती हैं तो उनके जो परपट्रेटर पर होता है वो इनवेबली पोजि सोशली या इकोनॉमिकली पोजिशन ऑफ पावर में होता है आमतौर पर आप देखें कि जहाँ भी पावर का बैलेंस होता है वहाँ पर ये वायलेशन तो एक तो ये कि वहाँ पे पुलिस को वो आपकी सारी एविडेंस खराब हो जाती है पुलिस जो है वो अपना काम नहीं करती है इस मुल्क के अंदर तीन चार आपने सिर्फ देखें फ्रेंजिक लैब्स अगर पूरे मुल्क में देखें एक प्रोविंस में आपको एक नज़र आती है मेडिकल लीगल ऑफिसर्स जो इतने अहम हैं खातन ना होने के बराबर है जबकि इस मुल्क में हर औरतें जो हैं वो विक्टिम है तो हम इन्वेस्ट नहीं करें हमारा पुलिस का सिस्टम फिर आप जुडिश्री की तरफ आ जाए मतलब कोहिस्तान के केस सात साल मुझे लगे मेरे हम जब गए और मैंने हमें भेजा गया कोहिस्तान में मैंने उन लड़कियों को जो लड़कियाँ दिखाई गई मैंने आके जब अदालत में ये कहा कि ये लड़कियाँ वो नहीं हैं केस उसके बाद क्लोज़ हुआ और उस बेस्ड ऑन दैट कि उस वक्त जो पार्लियामेंटेरियन बुशरा ग वो गई थी उन्होंने कहा था वही लड़कियां मेरा उस पर डिसेंटिंग नोट था आप यकीन करें कि सात साल लगे उसको इस्टेब्लिश करने में कि वो वही लड़कियां थी मतलब वो जो लड़कियां थी वो जाली थी और उस केस के अंदर उसके बाद तीन चार और मर्डर्स हो गए तो कहने का मकसद ये है कि पूरा आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सपोर्ट कर जिस तरह भी बात की जा रही है माइंड सेट्स केस की बात कर रही है और भी बहुत सारे मेरे पास पिछले दिनों जब डोमेस्टिक वायलेंस का बिल आया तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट है वहाँ से आवाज़ें इस तरह की उठती है मुझे याद है जब कोहिस्तान का केस आया था था कि जी आप एक कोई पार्लियामेंट पार्लमेंटेरियन थे गेटिंग द नेम ही सेट कि जी ये तो हमारे इलाके का एक दस्तूर है हमारे इलाके में ये चीज़ है आप क्यों इस पर आवाज उठा रहे हैं फिर अभी जब आ, ये डोमेस्टिक वायलेंस बिल आया हालाँकि देट वॉज नॉट खातन सेंट्रिक वो डोमेस्टिक वायलेंस सबके लिए था बिलीव मी मेरे पास प्रोग्राम में लोग बैठे हुए थे जिन्होंने वो बिल पढ़ा नहीं था और उसको अपोज कर रहे थे आई आस्किंग पार्लियामेंटेरियंस उनको पता नहीं था ये क्या है क्या वजह है ये आप क्या समझते हैं जैसी खातून का नाम आता है तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को क्या हो जाता है जो मर्द हजर आते हैं क्या वो लगता है उनको कि वो मतलब पता नहीं औरतें टेक ओवर कर लेंगी क्या हो जाएगा क्या मसला क्या लगता है आपको देखिए ये तो बहुत लंबी डिस्कशन है लेकिन मैं बा, मैंने बारहा यह कहा है कि इस मुल्क के कुछ कौमी क्वेश्चन हैं वी कैन कॉल दम नेशनल क्वेश्चन जो हमें बहस से कॉम रिजॉल्व करते हैं है। शाह खावर साहब ने बात की अबाउट आर्टिकल ट्वेंटी फाइव मैं अग्री करती हूँ कि पाकिस्तान का आईन बहुत ही कैटेगरिकल है कि रियासत न सिर्फ आ, मर्द और, और औरत को hmm. बराबर तस्वुर hmm. करती है बल्कि इम्तियाज़ी सलूक भी नहीं uh, अलाउ करती और प्रोएक्टिव प्रोटेक्टिव जो है वो प्रोविजंस भी करेगी तो तीनों प्रोविजंस आर्टिकल 25 में ख़वान को तहफ़ भी देते हैं ख़ात के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी सलूक को भी बर्दाश्त नहीं करते और ख़वान को बराबर का हक़ भी देते हैं लेकिन एक कौमी सवाल ये है कि खातन का माशरे में मकाम क्या है हम पचास फ़ीसद हैं लेकिन क्या हम ख़ानदान की मिल्कत हैं क्या हम मर्द की पैट्रमनी का हिस्सा हैं hmm. कि जो पेट्रमोनील्स हमारा है क्या हम रियासत या मुल्क की जो रि आवी जस्ट यूज फॉर टू तो रिप्रोड्यूस द नेशन हमारा मकाम क्या है पहले तो ये तयन हो और उसके बाद ये बुनियादी चीज़ है इस वक्त अगर आप ख़ुत को देखें पचास फ़ीसद हैं हम लेकिन हम कहाँ हैं वी आर इनविज़िबल ये हकीकत है कि कुछ पॉजिटिव एक्शंस जिसमें खात लेजिसलेटर्स हम आ गए लेकिन जब हम आ गए तो उसके बाद अगर आज ये कोटा वाला लीवर ये जो कोटा की डब्बा हमने बनाया है कि इस कोटे में साठ खातन आके इस डब्बे में आके बैठेंगी अगर उसको हम खत्म कर दें कि वही आप प्री कोटा स्टेटस पर आके गिरेंगी औरतें यानी कि आज अगर हम कोटा को निकाल दें तो वही सात या आठ खुत प्रज जो हैं प्रिविलेज्ड कहें या जो भी कहें कि वो वो कंटेस्ट करके इलेक्शन में आए हैं इस पर आ जाए नूर मुकदम केस पर नूर मुकदम केस के ऊपर तशद हो रहा था बाहर मर्द खड़े हुए थे हथियार के साथ उनको पता था कि तशद हो रहा है लेकिन क्यों नहीं उन्होंने एक्शन किया क्योंकि वही इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस का जो बुनियाद है वो ये है कि अगर घर के अंदर औरत है और मर्द उसके साथ है तो वो जो मर्जी करे वो ठीक है चादर चार ये भी भी वो भी जो तो प्राइवेट जो है औरत जो है पैट्रमनी का हिस्सा है मर्द की या ख़ानदान की घर के अंदर जो भी हो उसका हिस्सा और रियासत ये मुझे अजीब लगता है कि रियासत जो हमें इंश्योर करती है कि खातानी और मर्द बराबर हैं वही रियासत जो है वो ख़ुद एक बैकसीट लेती है और ये किसा संदियत लॉ में भी है

एक परसेप्शन है कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो जो ऑफेंडर है और स्पेशली जो जिनसी क्राइम्स हैं उनमें जो ऑफेंडर है उसको 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 ज्यादा जो है वो सपोर्ट करता है ना कि विक्टम सबसे पहले जो हमने जिस चीज़ की निशानदेही की कि, कि सबसे पहले तो खातून को अवेयरनेस हो कि मेरे हकूक क्या हैं मेरे साथ अगर वायलेंस हो रही है तो मैंने क्या करना है स्टेट ऐसे उनके लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड करे कि वो अपनी पहले शिकायत दर्ज करे शिकायत दर्ज करने के बाद एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि फिर एफ आई आर होती है फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है इन्वेस्टिगेशन में उसको बुलाया जाता है उसको शामिल तफ्तीश किया जाता है फिर उसके बाद ट्रायल जब शुरू होता है जैसे अभी खदीजा बता रही थी अब वो खातून ने ये तीन चार मराहल तय कर लिए अब उसने कोर्ट में अपना केस प्रूव करना है क्योंकि कोर्ट जो प्रोसिक्यूशन है या जो कंप्लेनेंट है ये ओनस टू प्रूव जो है वो उसके ऊपर है मैं तो ये कहता हूँ कि ख़्वीन के मतलब जो केसेज हैं इवन रेप हैं या उनके किसी किस्म का भी उनका इवन फैमिली केसेज़ हैं क्योंकि जब फैमिली केस में भी एक खातून जब जाती है तो शी इज़ ऑल्सो सब्जेक्टेड टू लेंथ ई क्रॉस एग्जामिनेशन फ्रॉम द अदर साइड उसमें वो कुछ भी उठ पटांग उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं उसकी करेक्टर एसोसनेशन कर सकते हैं उसके करेक्टर को इम्पीच कर सकते हैं तो इन प्रोसीडिंग्स की मैं समझता हूँ कि बाई लॉ पाबंदी होनी चाहिए कि उसको आप इन कैमरा करें और उसमें एक तो जो विक्टम्स हैं उनके नाम ज़ाहिर ना हो उनको हाईलाइट ना किया जाए और उनके खिलाफ जो जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं वो सिर्फ़ उस हद हाँ तक उसकी खबर आए कि आज की प्रोसीडिंग क्या, हुई, क्या है। हुई है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये रिस्ट्रिक्शंस बड़ी ज़रूरी हैं कि फिर ख़ुत जो है वो क्यों अपने हकूक़ के लिए सामने आएंगी इस लंबे रिगर्स ऑफ ट्रायल से गुजरेंगी तो इनको हमें बिल्कुल एक तो इसका टाइम फ्रेम जो है वो मुकर करना है स्पेशल कोर्ट्स होने चाहिए और उसमें

बट उसमें अब तो ये कहा जा रहा है कि रियासत जो है वो उसमें खुद मुद्दई बनेगी लेकिन ये तो एक ऐसा केस है जो कि हाईलाइट हो गया इसकी हाइप इतनी ज़्यादा बन गई तो रियासत हैज़ टू कम ऑन द फोर फ्रंट क्या आप नहीं समझती कि कुछ ऐसे कवानीन होने चाहिए कि अगर एक जगह रेप साबित हो रहा है तो बिल्कुल कोई गुंजाइश ही ना रहे वो लूप होल जो है जो विक्टम को जो है वो फेवर नहीं करता और फेंडर को फेवर करता है उसको ख़त्म किया जाए इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बिकॉज हमारा जो कानून है वो इनहेरेंटली फेवर करता है अक्यूज को जो बेनिफिट ऑफ डाउट का प्रिंसिपल है वो बहुत उसकी वास्ट इंटरप्रटेशन है हल्का सा भी डाउट आ गया तो जी बंदे को बरी कर दिया हुँ, जाता हुँ. है तो रेप के केसेस में जिस तरह अभी शाह साहब ने कहा है कि नॉन कंपाउंडेबल है इसमें होता यह है कि पर्चा हो जाता है एफआईआर हो गई उसके बाद जी बैकडोर में सुलह सफाई हो गई कोर्ट में अब क्या करेगी कोर्ट में लड़की आएगी स्टेटमेंट देगी कि मैंने गलत किसी जो है ना उसकी बुनियाद फहमी होगी गलत फहमी होगी गई तो उसकी बुनियाद पर यह पर्चा कटवाया था तो ये मैं वापस ना चाहती हूँ फिर स्टेट भी प्रोसीड नहीं करती hmm. बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर्स हो मीडिया फॉलो कर रही हो तो वो करे उसमें लेकिन वो नहीं होता क्योंकि विक्टिम ही अपनी स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट कर जाती है जब इस तरह के केसेस आते hmm. हैं तो जैसा अभी आप कंदील बलोच के केस की बात कर लें कंदील बलोच के केस में एंटी ओनर क्राइम एक्ट आया था दो में जिसने कहा कि ये अगर गैरत hmm. के नाम पे ऑनर किलिंग के ऊपर कत्ल होता है और इसमें बड़ा ब्लेटेंटली हमें नजर आया वो वो माना 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 उसकी कन्फेशन थी उसकी स्टेटमेंट थी लेकिन इसका वे आउट क्या निकाला गया इसका लूप होल क्या निकाला गया के जो हमारी अभी रिसेंट जजमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा जी उसने तो कहीं स्पेसिफिकली प्लीड ही नहीं किया कि वे वे ऑनर किलिंग है तो निकालने के लिए hmm. सौ तरीके होते हैं hmm. जब आपने ऐसे परपेट्रेटर्स को बचाना हो hmm. Hmm. तो वे आउट्स निकालने के लिए बहुत तरीके हैं जब हमारे माशरे में ये माइंडसेट की अक्सी होती है जिस तरह भी उन्होंने कहा hmm. कि सोशल मीडिया पे आ जाता है मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया पे आके इन इस गंदी मेंटालिटी और इस फिलती माइंड की अकासी करता है इट विल नेवर बी शेमफुल फॉर द विक्ट इट

काम है क्योंकि सारा बर्डन उनके ऊपर लाय करता है सारे गवाहान इनके बिल्कुल कंदील बलोच के केस में 35 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस केम टू कोर्ट उनकी बकायदा एविडेंस हुई उनकी बकायदा एविडेंस हुई अगर हम कन्फेशन कहते हैं कि ठीक है लीगल तरीके से नहीं उसको डिस्कार्ड भी कर दिया जाता है तब भी सफिशिएंट इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस वाज ऑन द रिकॉर्ड टू कन्विक्ट दैट जो परपेक्ट्रेटर है तो उसको छोड़ देना इज अ लाइसेंस टू किल आप अपने hmm. घर के अंदर चार दीवार में जिस तरह चाहे yeah. मर्जी आप मारो कत्ल करो एसेड फेंको जो मर्जी करो आपको कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि इन द एंड हमारी अदालतें बैठी हैं उनको बरी करने की प्रोफेसर साहब जो बातें हैं कि कवानीन हमें सपोर्ट करते हैं पर जो दूर दराज गाँव में औरत बैठी है उसको नहीं पता कि उसको सपोर्ट करते हैं हाउ डू वी प्रमोट दैट देखिए कवानी नहीं सपोर्ट करते कवानीन में बहुत पैचनस है अभी मेरी दोनों कोलीग्स ने कंदील बलोच केस का बताया हमने आ, सारे मुल्क ने सेलिब्रेट किया जब ये आईनी तर ये अमेंडमेंट आई क्रिमिनल अमेंडमेंट 2016 में जब आई मैं उस वक्त अगर आप मेरी रिकॉर्ड्स वहाँ देख लें उस वक्त मैंने उट, मैं आई वाज अ वॉइस ऑफ डिसेंट और मैंने यही कहा कि अगर आप समझ रहे हैं कि ये एक स्टेप फॉरवर्ड है कानून साजी में तो शायद ये नहीं है क्योंकि लॉ शुड नेवर प्रोवाइड एक्सेप्शंस अब इस कानून में यह लिखा गया है कि बाकी सब में सुलह इजाजत है हर किस्म के खून में सुलह इजाज़त है लेकिन अगर वो गैरत के नाम पर कत्ल है तो सुलह इजाजत नहीं अब गैरत की लीगल डेफिनेशन कहाँ लेकिन यहां कौन से मुल्क में Parliament कौन से लॉ में पाकिस्तान में ऑनर हाउ इज ऑनर डिफाइंड इज इट लीगल कैटेगरी वेयर इज इट हाउ विल यू डिटर्मन दैट दिस इज़ एन नॉन किलिंग एंड दिस इज़ नॉट एन नॉन किलिंग और यही हुआ कि आपका एक डेस्ट केस था कंदील बलोच का माय सस्पेशन यही थी कि जज ने एक तरफ पता नहीं कितने विटनेसेस hmm. ने कहा गैरत का कत्ल है फिर भाई ने भी कहा गैरत का कत्ल है जज कहता है मेरे पास एविडेंस ही नहीं है कि यह गैरत का कत्ल है तो फिर सुलह है और अगर सुलह है तो फिर आज़ाद है ये इशू है तो लॉ लौ में लूप इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं जैसे मैंने कहा कि इस वक्त आपका चाइल्ड मैरिज लॉ नहीं इनैक्ट हो रहा नेशनल असम्बली में सूबे आपके आगे हैं hmm. लेकिन जब आपके अब जोरिस्टिक्शन देखें हमारे सिंध में 18 साल की उम्र पे शादी होती है तो अब बच्चियां अगर शादी कपल्स करते हैं शादी तो वो भगा के बावलपुर में जाकर उसको रजिस्टर कर देते हैं पंजाब अक्रॉस दॉर्डर हैं आप ये देखेंट कर दिया लॉ लेकिन माइंड सेट्स की क्योंकि बात है वहां पे जो वालदेन हैं जो मौलवी हजरा हैं इवन लेजिटर्स हमारे जो हैं वो इस बात को कोई गलत नहीं समझते ऑफ वेज टू कवर इट अप दे कवर इट अप ठीक है वो आपने इनैक्ट कर दिया लेकिन उसका इतलाक नहीं होता अगेन बात मेरा ख्याल है शायद वो माइंड की है कि माइंड जब तक चेंज नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा माइंड की बात अपनी जगह है लेकिन आई विल अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पावर खत की पोजिशन ऑफ पावर नहीं है. फ़ैमिली में रियासत में कोई भी आप पावर की कैटेगरीज़ देखें तो बिल्कुल लोअर लोएस्ट स्ट्रंग पर होगा जब तक ख़वाीन एम्पावर्ड नहीं होंगी hmm. तो ना वो उनकी आवाज़ आपको सुनने में आएगी ना वो बाहर निकल पाएंगी ना वो वर्क पर जाएंगी और ये एम्पावरमेंट की जिम्मेदारी जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ़ द लॉ आपको देगा फंडामेंटल आपको लॉ देगी आपको रियासत का जो एटीट्यूड है वो देगा लेकिन अगर हम यही कह रहे हैं कि अगर पेट्रमोनील सिर्फ फैमिली पेट्रमोनील नहीं है कि ख़ानदान कहे कि औरत जो है हमारी मिल्कियत का हिस्सा है मर्द सिर्फ ये ना समझे कि मैंने अब शादी की है तो हुँ. मैं इसकी डिसाइड करूँगा कि ये कब बोलेगी कहाँ जाएगी पहली क्वेश्चन ये होती है तो ख़्वीन खा, की मूवमेंट पर रोका जाता है हुँ. ये घर के बाहर नहीं जाएगी, जाएगी। ये आ, 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 अपने इन लॉज से मिलने नहीं जाएगी तो एंड देन at the level of the state does the yes. state also have this approach ke ha हाँ, it's okay for the family to do this so then we have a patrimonial state jab tak ye collusion khatam nahi hogi yahi hai na aur ye 50% khawateen ke jo huqooq hai wo sirf violence ye to manifestation hai लेकिन हर level पर जैसे हम अगर खातन की yes. स्टेट क्राफ्ट में शमूलियत खातन की लेजिस्लेशन में शमूलियत खातन की पॉलिटिकल पावर में शमूलियत Uh, uh, वो कहाँ हैं यस वी डिड प्रोड्यूस ग्रेट वेमन लाइक शहीद मोहरमा बे नज़र भुट्टो ऑन दैट नोट विल टे शॉर्ट ब्रेक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और गुफ्तु को यहीं से कंटिन्यू करेंगे वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक गुफ्तु हो रही थी कि किस तरह जो है वो चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं आई गो टू द ओनली जेंटलमैन इन दिस पैनल आस्क हिम बिकॉज वी वाइंड अप करने लगे हैं कुछ देर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सर ये मुझे बताइए ये जो माइंड का हम बात करें बार बार उसी चीज़ वहीं जा रही है एज अ मेल आप क्या समझते हैं कि ये माइंड सेट किस तरह बदला जाएगा बहुत ज्यादा ये बात की जाती है कि जी स्कूल में निशाब का हिस्सा इसको बना दें लेकिन बच्चा जब तक स्कूल पहुंचता है वो पांच साल की उम्र से गुजर चुका होता है दि दिमाग में जहन में सकल तरीके से जो पेट्रियाकल माइंड सेट है वो बहुत ज्यादा इनग्रेन हो चुका होता है किस तरह इसको चेंज किया जाता देखिए इसके लिए तो बहुत ज्यादा चीजें जरूरत है लेकिन बुनियादी जो चीज है मैं समझता हूँ कि जो सबसे बुनियादी एक जो इकाई है वो खानदान है एक फैमिली है उसमें मियाँ बीवी हैं उनके बच्चे बेबेटियाँ भी हैं बेटे भी हैं तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले उस घर में उस बेटी को ये एहसास दिलाया जाए कि तुम भाई से कमतर नहीं हो उसको भी उसी तरह खाना दिया जाए उसको भी उसी तरह पहनावा कराया जाए उसको भी उतनी अहमियत दी जाए और मैंने देखा है कि हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बेटियों को ज़्यादा अहमियत देते हैं ये भी नहीं है कि नहीं है लेकिन वो जो बेटी है आम तौर पे हमारी जो लोअर मिडिल क्लास है या जो बेचारे बहुत ज़्यादा मुशी तौर पे खुशहाल नहीं है वहाँ पे अगर कोई दूध है तो वो ज़्यादा भाई को पिलाया जाता है बेटी को नहीं पिलाया जाता तो बेटी एक ऐसी कर लेती है कि मैं भाई मेरे से थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा दर्जे का जो है वो शख्सियत है तो मैं समझता हूँ कि ख़ानदान जो है फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ दोसाइटी वहाँ पे अगर हम अवेयरनेस करें और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारा प्रिंट मीडिया ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत काम कर सकता है आजकल और जिस चैनल की पैटर्नेज में ये प्रोग्राम हो रहा है इनके बहुत अच्छे अच्छे ड्रामास भी हैं और उसमें अगर मैं समझता हूँ कि ऐसे ड्रामास बनाए जाएं जिसमें ये पैगाम लोगों को दिया जाए ख़ानदानों को दिया जाए क्योंकि वो लोग वो ड्रामास देखते हैं तो वहाँ पर जब वो लेसन होगा तो और लड़कियों को भी एहसास होगा कि हम भी अपने भाई की तरह उतने ही इंपॉर्टेंट हैं वालदेन को भी उनको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी उसके बाद फिर स्कूल या माशरा या वर्क प्लेस शुरू हो जाता है मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस पहले आपने घर में देनी है घर के, के, में अगर वही जो है वो एक पेटॉर्कल थिंकिंग के साथ बैठे हुए हैं वही औरतें हैं जो जो अपने मर्द के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक वो अपनी बच्चियों को पाल रहे हैं अगर शोहर का ये स्टैंडर्ड है कि बेटी ने स्कूल नहीं जाना या ये अ, सर पे दुपट्टा लेना है तो वो तो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है क्योंकि घर के अंदर मतलब मर्द ने एक अपनी पावर डेलीगेट की हुई है अपनी बीवी को कि वो अपने बच्चों को किस तरह की तरबियत दे ठीक है तो कहने का मकसद ये है कि जिनके ऊपर हम ये ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं ना जो पेरेंटिंग है हमारे पहले जब तक तो उनका माइंडसेट कैसे चेंज होगा ना हम तो ये तो कहते हैं अच्छा माँ बाप इसमें ये रवैये तब्दील करें लेकिन ये बात है कि ये जो सिनफी रवैये जो लोगों ने बिल्कुल इंटरनलाइज किए हुए हैं इसको कैसे चेंज करें देखें किसी भी माशरे के अंदर जब एक इस तरह के मसाइल होते हैं तो या तो रियासत तो उस पर लेजिस्लेट करती है और उसको क्रिमिनलाइज करती है और कभी ये होता है कि जो चीज़ें रियासत बदलना चाहती है माशरे में से कई चीज़ें तो होती हैं ना आप इसलिए कानून बनाते हैं कि आपको अपने समाज में उन चीज़ों की ज़रूरत महसूस होती है और आप उसके ऊपर कानून हुँ। हुँ। बनाते हैं अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर ट्रैफिकिंग ऑफ वीमेन हो रही है तो आप कानून बनाते हैं और दूसरी तरफ ये होता है कि रियासत ख़ुद कानून करती है वो ख़ुद ये डिटर्मन करती है कि अगर इक्वालिटी नहीं है अगर ये इस किस्म की डिस्क्रमिनीशन हो रही है तो उसको उस पर कानून साजी करती है okay. यानी कि पेट्रियाकल रवैयों को इस वक्त क्रिमिनलाइज करने की जरूरत hmm. है हमारी रियासत क्रि क्रिमिनलाइज करे हर उस रवैये को छोटी बच्चियों की शादियाँ ये yes, क्रिमिनलाइज हुआ उस, उसके ऊपर लॉ बना इसी तरह ये जो हमारी रस्में हैं कार ये वनी की रस्में हैं एक्सचेंज ऑफ वीमेन की रस्में हैं तो मैं समझती तो हूँ एक तो हमें इन चीज़ों को क्रिमिनलाइज करना चाहिए रियासत को चाहिए कि इन सारी चीज़ों पे और फिर लोगों को यानी कि ये जो जजा और सजा का सिलसिला है इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है तो उससे भी लोगों के रवैयों में तब्दीली आएगी आ, नफीस साहबा भा, इसी को आगे लेके चलती हूँ जो बात हो रही है हमारा जो मज़हब है अगर हम तो उसका इतलाक़ भी मेरा ख़्या ठीक नहीं करते बिकॉज़ आप देखें कि मजहब में हमारी जो ख़ुत हैं जो हमारी रिलीजस हिरोज़ हैं उनके पास कितनी ज़्यादा फ्रीडम थी वो कितनी एमपावर थी वो कितनी प्रोग्रेसिव थी यहाँ पे आप क्या समझती हैं किस तरह हमें जो है वो इस माइंडसेट को इसमें चेंज करें कि अगर आपने वाकई इस्लामी मुल्क है तो ये तो फिर हमारे लिए कोई मसला नहीं होना नहीं। चाहिए कि अगर औरत घर से बाहर निकल रही है काम करने के लिए या वो जो है वो एम्पावर्ड है वो तो फिर कोई इशू ही नहीं होना नहीं। चाहिए किस तरह इसको डील करें देखिए ये जैसे मैंने कहा कि कुछ नेशनल क्वेश्चंस हैं जो हमें बैठकर कर कंसेंसिस करना है मेरी इस्लामिक इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर चौदह साल पहले हमें एक औरत को इजाजत थी कि एक ऑटोनमसली वो अपनी exactly. जिंदगी का फैसला yeah. कर सके कि मुझे इस मर्द के तीन दफ़ा मुझसे सवाल पूछा जाए कि मैं शादी इस मर्द से करना चाहती हूँ नहीं और देन इट इज़ हर वुमन डिसाइड्स फर्स्ट तो जब 1400 साल मेरा उस वक्त के हुकूक हैं तो इस वक्त ये ये इट्स वाज अ प्रोग्रेसिव रिलीजन ये नहीं है कि आप एक मज़हब को फ्रीज करें टाइम की आइडियोलॉजी के ऊपर तो मैं समझती हूँ मज़हब में मुझे हुकूक दिए हैं और मज़हब में मुझे ये भी हुकूक दिए हैं अगर मेरे ख़िलाफ़ घर में तशद्द होता है तो मुझे तहफ़ भी मिले मुझे रियासत तहफ़ दे मेरे खिलाफ शक मेरा बेशक मेरा शोर हो या भाई हो उसके खिलाफ केस भी रजिस्टर हो और उसको सज़ा भी हो या वो डेटरेंस हो जो भी कानून और कानून डोमेस्टिक वायलेंस लॉ एडवेरियल लॉ नहीं है यहाँ पर ये हमें हमारा माइंड सेट ये है कि मर्द वर्सेस वो वी आर नॉट एम इट इज़ नॉट एन एडवर्सरियल फाइट औरतों का झगड़ा मर्द से नहीं है निज़ाम hmm. से है एंड दिस इज शुड गेट इट स्ट्रेट वी डू नॉट वांट टू फाइट वी वांट टू वर्क टुगेदर तो ये जब तक ये चीज़ें होंगी ओ औरत मार्च मर्द के yeah. खिलाफ खानदान के खिलाफ इट इज़ नॉट एडवर्सरियल हम अपने हकूक की बात कर रहे हैं और हम अपने माशरे yes. की बात कर रहे हैं दैट इज़ वे वी नीड क्लेरिटी एंड आई थिंक हमारे कॉलेज़ में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे दरसगाहों में, में जहाँ hmm. भी ये है तो इस किस्म की डिबेट होनी चाहिए डिबेट्स होनी चाहिए भतीजा बिल्कुल रेप अप कर रहे हैं आप मुझे बताइए बिकॉज अगेन ऑल ऑफ एस ए वर्किंग वेमन हेयर हमारी सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल्स हैं हम अपनी लड़ाइयाँ जो है वो रोज़ लड़ते हैं व्हाट्स द वे फॉरवर्ड आपने बिकॉज अभी कुछ देर पहले आप जो है वो आ, 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 रिसेंट ग्रेजुएट हैं आपने स्कूल का भी वो देखा है क्या आप समझती हैं किस तरह जो है वो हम आगे लेके बढ़ सकते हैं एंड वट्स द वे फॉरवर्ड आई फील डॉक्टर मारिया इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जो हम ऑनर um, का वर्ड है और जो इज्जत का वर्ड है उसको लड़की के जिसम के साथ मुंसलिक करना बंद कर दें जब तक हम ये करते रहेंगे कि लड़की है तो इज्जत का मसला है लड़का है तो कोई इज़्ज़त नहीं आती कभी भी नहीं आती वो जो मर्ज़ी करता फिर रात को चाहे घर ही ना आए सुबह को जिस मर्ज़ी वजह निकले जो मर्जी करे उसके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं हैं बिल्कुल ठीक है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो बाउंड्रीज़ ये जो बना देते हैं औरत के लिए ये है मर्द के लिए सेपरेट पैरामीटर्स हैं इनको हम डिस्क्रिमिनेट करना बंद करें बेसिकली दूसरी बात आ जाती है जहां पर हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में तो हैं मेल डोमिनेंस हमें अपने वकालत के शोबे में भी hmm. देखनी पड़ती है मैं प्रैक्टिस करती हूँ आई गो एवरी डे इन द कोर्ट्स और वहां पर जो एक मेल गेज है hmm. वो हेड टू टो तो आपको ऐसे गेज करेगी ऐसे स्कैनिंग करेगी जैसे आप पता नहीं कोई एलियन आ गए हैं yeah. या फिर आपने एक फीमेल लॉयर कभी देखी नहीं नहींविल कोर्ट hmm. में और सेशन कोर्ट की बात कर रही हूँ हाई कोर्ट में फिर हालात कुछ बेहतर है लेकिन जब आपको एक ऐसा एलियन आ, की तरह एहसास दिलाया जाएगा कि आपकी शायद यहाँ ज़रूरत नहीं है या खुतिन वकीलों की जो है वो इस फिटर्निटी में कोई जी. स्पेस नहीं है तब ऑबियसली एक तरह का डिटरेंट होता है हुँ. आप डिस्करेज होते हो आप डीमोटिवेट होते हुँ. हो लेकिन वी हैव टू ब्रिंग दिस फॉरवर्ड जब तक हम नहीं आएंगे मैदान में जब तक हम यही डरते रहेंगे कि शायद हम अगर अदालत जाएंगे इंसाफ लेने या कानून केस लड़ने तो हमारे साथ कोई गलत वाक्य पेश आएगा या कुछ तब तक निज़ाम नहीं बदलेगा तो हमें वी नीड टू टेक द स्टेप फॉरवर्ड अगर हम नहीं करेंगे ये तो ऐसे ही हालात चलते रहेंगे और इसी तरह ही जिस तरह सज़ाओं से बचते रहेंगे okay. जिस तरह सजाओं देने वालों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट okay. मैसेज है कि वाइडर इंटरप्रिटेशन जो है वो करें कि जब जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस आते हैं तो उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट का प्रिंसिपल ज़रा थोड़ा ट करेंट right. क्योंकि मेहमानों तो तो uh, की बहुत शुक्र गुजार हूँ फजाना साहबा शाहब साहब, नफीसा साहिबा और खुतीजा साहिबा और ये जरूर कहूंगी कि हम बरतरी नहीं मांग रहे हम सिर्फ इक्वाली मांग रहे हैं ऑन दैट नोट आई क्लोज द प्रोग्राम वॉचिंग